गाइज अगर आपके पास SBI अकाउंट है तो अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आप सब SBI कार्ड एप्लीकेशन को भी यूज करते होंगे। तो गाइज अगर आपका ही क्रेडिट कार्ड कोई और व्यक्ति अपने मोबाइल में यूज करता रहेगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अगर मालूम पड़ भी गया तो आपको उसको कैसे लॉग आउट कर पाएगी अपने मोबाइल से ही? तो ये सब पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइस जाते जाते जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो गाइस चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे हम किसी अदर मोबाइल में जब मेरा SBI कार्ड एप्लीकेशन चालू है तो उसको कैसे हम अपने मोबाइल से ही लॉग आउट कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली तरीके से मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, ओपन करके रखा हूँ SBI कार्ड एप्लीकेशन को। तो अगर आप सबके पास भी SBI कार्ड एप्लीकेशन होगा तो आपको सबसे पहले तो अगर आप फिंगरप्रिंट लगाए होंगे तो आपको फिंगरप्रिंट से ओपन हो जाएगा। तो चलो पहले अपना फिंगरप्रिंट इधर लगाता हूँ और फाइनली तरीके से इसको मैं ओपन पहले कर लेता हूँ। अदरवाइज आपको अगर इसमें आपको MPIN डाल रहे हैं तो आप सब अपना MPIN डाल के भी इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कभी मैं चलो MPIN इधर डालता हूँ, उसके बाद ओपन करके आपको दिखला देता हूँ। तो जो भी मेरा रहेगा पहला अक्षर इसको हमको लॉग आउट करना पड़ेगा। तो उसके बाद चलो फाइनली मैं अपना जो भी मेरा है MPIN वो MPIN को इधर फिल कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली तरीके से अपना जो भी मेरा MPIN था वो MPIN तो इधर मैं फिल कर दिया। MPIN फिल करते ही आपका SBI कार्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका जो भी इंटरफेस रहेगा आपके सामने दिख जाएगा। उसके बाद से गाइस हम सबको जो मेन प्रोसेस रहता है कि हमारा SBI कार्ड एप्लीकेशन कौन कौन यूज करता है उसके बारे में जानने के लिए, तो गाइस फाइनली आप 3 डॉट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गाइस आप देखिए ढेर सारा ऑप्शन आपके सामने दिख जाता है। तो आप सब जो भी इसमें से यूज करना चाहते हैं वो आप सब यूज कर सकते हैं। तो गाइस इसमें बहुत सारा ऑप्शन नया नया भी इंक्लूड किया गया है। तो साथ में इधर आप देख लीजिएगा इधर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐप सेटिंग का। तो फाइनली आप ऐप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलो गाइस फाइनली मैं ऐप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। गाइस जैसे आप ऐप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इधर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाए, जिसमें आप सब NFC का भी सुविधा इधर से यूज कर सकते हैं। यानी आप अपने कार्ड में लिमिट सेट करना पड़ता है, यानी कितना लिमिट आपको यूज करना है उतना लिमिट सेट कर दीजिए। अपने मोबाइल को एमपोस मशीन से जैसे आप टच करेंगे आपका 2000 तक का ट्रांजेक्शन विदाउट MPIN और विदाउट OTP का हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें आप अगर अपना जैसे कि फिंगरप्रिंट में इनेबल कर रखा हूं, तो अगर आप से फिंगरप्रिंट को डिसेबल करना चाहते हैं तो फाइनली आप इस पे जब क्लिक करेंगे, जैसे कि इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये फिंगरप्रिंट मेरा फाइनली डीएक्टिवेट हो रहा है। अगर फिर मैं इसको ओपन करूंगा तो फाइनली तरीके से मेरा ये जो है इनेबल हो चुका है। इसी प्रकार अपने डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। उसी प्रकार अपने चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, जो पहले अक्षर में जो आप चेंज यानी शुरू करते हैं अपने एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए, तो वही आप इधर से चालू भी कर सकते हैं। साथ में इधर आपको दिखेंगे कि मैनेज MPIN का भी ऑप्शन दिया गया, उसके नीचे में दिया गया है मैनेज लिंक डिवाइस का। तो क्योंकि यही एक लिंक डिवाइस है जो कि गाइस मेरा एप्लीकेशन कोई और व्यक्ति यूज कर सकता है, तो फाइनली आप लिंक डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। चलो हम लिंक वाले डिवाइस पर क्लिक किया, उसके बाद गाइस इधर देख लीजिए फाइनली ये लिंक जो आपको दिख रहा है 20/10/2019 को ये Redmi Note 4 में मेरा SBI कार्ड एप्लीकेशन लिंक करके कोई रखा हुआ है, जो कि मेरा ही मोबाइल है बट मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी प्रकार अभी जो आप देख लीजिए लॉगिन जो भी नौ है, यानी अभी जो लॉगिन है वो है Redmi 7 Pro में जो है ये लॉगिन इन आपको दिखाता है, यानी अभी जो है चालू है ये इसमें दिखा रहा है, लेकिन लिंक भी है इसमें भी लिंक है। तो अगर आप इस मोबाइल से लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप सब खुद से ही लॉग आउट कर सकते हैं। इसके लिए इधर देखिए इधर ऑन ऑफ ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप इसको ऑफ कर देंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। ये OTP इधर आपको फिल करना पड़ता है, यानी आपको डिवाइस के लॉक करने के लिए। तो गाइस देख लीजिए ऊपर हमको SBI की तरफ से एक OTP आ चुका है। तो जैसे मैं ये OTP इधर फिल करता हूँ ये डिवाइस को लॉक कर दिया जाएगा, कभी भी इस एप्लीकेशन में फिर से मेरा ये जो SBI कार्ड एप्लीकेशन है इसमें आप नहीं चला सकते हैं। चलो फाइनली अपना एक OTP इधर फिल कर देता हूँ, उसका दिखाता हूँ कि इधर से मेरा ऑफ होता है ये या नहीं होता है। तो चलो फाइनली तरीके से पहले मैं OTP इधर फिल कर देते हैं। सो गाइस फाइनली मैं OTP फिल कर दिया, उसके बाद गाइस जैसे OTP फिल कर इधर देखिए इधर दिखाया गया है डी लिंक डिवाइस का। तो फाइनली आप डी लिंक डिवाइस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं क्लिक किया, उसके बाद गाइस आप देखिए इधर से जो आपको दिख रहा था मेरा Redmi Note 4 वो अभी इधर से रिमूव हो चुका है, यानी अभी उधर से डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अभी आपका जो ये जो एप्लीकेशन है उस मोबाइल में नहीं चल पाएगा, क्योंकि इधर से मैं इसको लॉक कर दिया हूं। तो गाइस इस तरीके से अगर आपका भी कोई भी व्यक्ति अगर आपका मोबाइल को अपने SBI कार्ड एप्लीकेशन को यूज कर रहा है अपने मोबाइल में, तो आप सब इस तरीके से इसको लॉक कर सकते हैं।
सो गाइस कभी भी अगर आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन, जैसे कार्ड एप्लीकेशन में आपका क्रेडिट कार्ड लिंक करके रखा है कोई और व्यक्ति, तो आप सब इस तरीके से, जैसे कि अभी आप देखेंगे मेरे मोबाइल में ही नोट 4 और नोट जो 7 था, मेरा दोनों मोबाइल दिख रहा था, तो उसमें मैं नोट 4 को लॉग आउट कर दिया। तो इसी प्रकार आप सब भी अपना नोट 4 को, जो भी रहेगा आपका मोबाइल, उसको आप सब लॉग आउट कर पाएंगे अपने मोबाइल की मदद से। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू है या आपको नहीं शो हो रहा है आपको किसी और मेंबर का, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।